नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के एक और सिस्टम के बारे में जो फाइनल ड्राइव होता है। फाइनल ड्राइव आखिर यूज़ क्यों किया जाता है और इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है, वर्किंग कैसे करता है, ये सारी कुछ जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो गाड़ी आप ये देख रहे हैं ये है महिंद्रा यूबो 475 DI, और इसमें जो फाइनल ड्राइव लगा हुआ है वो है प्लैनेट गियर टाइप का। ठीक है, ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है ये है इनपुट शाफ्ट। अंडर से जब पावर आती है बाहर को तो ये भेजता है, जो आपके स्टार गियर हैं, प्लैनेट गियर हैं, उनमें भेजता है। तो चलिए उसको दिखाते हैं को जो स्टार गियर कहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें देखिए जो स्टार गियर 3 लगे हुए हैं, ये स्टार गियर, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं कैरियर, ये इसको फिक्स करके या फ्रेम बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो चारों तरफ से गियर लगा हुआ है जिसमें इनर टीथ लगे हुए हैं जो अंदर की तरफ दाते हैं, इनको बोलेंगे रिंगर। ठीक है, अब ये जब इनपुट शाफ्ट इसमें बीच में चलता है स्टार सन गियर की तरह, तो ये स्टार गियर घूमते हैं। और अंदर की तरफ अभी जब आप खोलेंगे तो बाहर की तरफ देंगे एक आउटपुट शाफ्ट लगी हुई है, जो आउटपुट साफ सीधा जुड़ी है रियर एक्सल से, यानी कि रियर एक्सल में पावर जाती है। अब बात करते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है फाइनल ड्राइव का। अभी आप जो मेन साफ्ट देख रहे थे वहाँ पे, तो क्राउन व्हील से जो पावर आती है मेन साफ्ट को, इंजन की स्पीड में 5 से 7 गुना तक फर्क डाल देता है। यानी कि इंजन की स्पीड को जो बाहर से आती है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से जो फाइनल ड्राइव को जाती है, तो फाइनल ड्राइव का काम ये है कि उसकी स्पीड को 5 से 7 गुना तक कम कर देना है। यानी स्पीड रिडक्शन का काम होता है फाइनल ड्राइव का। स्पीड घटाते क्यों हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ट्रैक्टर होता है वो कृषि यंत्र होता है, तो कृषि यंत्र में हमें स्पीड की ज़रूरत बहुत कम होती है, हमें टार्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी खींचने की क्षमता हमको चाहिए। तो वो काम करता है ये आपको जो दिख रहा है फाइनल ड्राइव, ये फाइनल ड्राइव प्लैनेटरी गियर टाइप का है। ठीक है, तो स्पीड का रिडक्शन करने का काम जो फाइनल ड्राइव करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमको टॉर्क ज़्यादा मिले और स्पीड को कम कर सकें। तो चलिए इसको खोलते हैं और निकाल के दिखाते हैं आपको कि आउटपुट शाफ्ट कहाँ पर लगी हुई है इसकी, और ये ड्राइव कहाँ को देता है, रियर एक्सल कैसे काम करता है, जो टायर होते हैं कैसे चलते हैं, स्पीड रिडक्शन का काम कैसे होता है। तो ये इस फ्रेम को, यानी जो कैरियर है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इसी के साथ फिक्स है स्टार गियर, यानी जो प्लैनेट गियर हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ से निकालेंगे और दिखाएंगे आपको आउटपुट शाफ्ट कैसा है। तो भैया यहाँ पे कैरियर सारा निकल चुका है, और कैरियर में आप देखेंगे 3 गियर्स लगे हुए हैं जो कि चलते हैं रिंग गियर पे। जो रिंग गियर आपको दिख रहा है ये चारों तरफ इसमें इनर टीथ लगे हुए हैं, यानी अंदर की तरफ दाते हैं, इसको बोलेंगे रिंग गियर। ठीक है, और जो आप बीच में एक शाफ्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट। इसी शाफ्ट से पावर जाती है रियर एक्सल में और रियर व्हील घूमने लगता है, और यहाँ स्पीड रिडक्शन का कार्य हो जाता है, यानी टॉर्क हमें ज़्यादा मिलती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।